हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, मेरा जो सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट है, जैसे कि आपको पता होगा वो कल रिलीज़ हो चुका है। तो वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा, हो सकता है एक दो दिन बाद आए। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मेरा सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और मैं फाइनली ग्रेजुएट हो चुका हूँ। जी गाइस, आई एम बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट। पहले से ही मैं बताता आया हूँ ग्रेजुएट हूँ, लेकिन ऑफिशियली ग्रेजुएट नहीं था। तो आज ऑफिशियली ग्रेजुएट हो चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर, बैचलर ऑफ कॉमर्स, सिक्स सेम एग्जामिनेशन। इस बार इवन सेम नहीं आया है, ठीक है। हर बार क्या होता है, इवन सेम आता है, यानी कि सेकेंड सेम फोर्थ सेम जो होते हैं वो इवन सेमेस्टर के होते हैं। यहाँ पे देखिए, पूरा एकदम सिक्स सेम आ चुका है, सिक्स सेम एग्जामिनेशन सेमेस्टर ग्रेड कार्ड। अब यहाँ पे जो है नेम, आप देख सकते हो मेरा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ रोल नंबर बदल चुका है। रोल नंबर आप देख सकते हो 0606 का मतलब है आप सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट जो है आपका, देखिए कॉलेज देख सकते हो, डिपार्टमेंट GC कॉलेज है। हम बात करते हैं मार्क्स की। सबसे पहला पेपर जो है सिक्स सेमेस्टर में आपको मिलता है वो है ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक ठाक पेपर है, इजी तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो है 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स आपका जो है इंटरनल और अटेंडेंस का आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड में अगर आप देखोगे तो टोटल आपको मुझे मिला है आउट ऑफ 70 59, तो 59 मिला है, काफ़ी बढ़िया है। इसके ऊपर भी मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, कैसे आपको क्या करना होता है, कैसे आपको जो है अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग, आपने 59 मिला है तो काफ़ी सही है, मुझे तो काफ़ी अच्छा मिला है। 8.9 ग्रेड पॉइंट्स है आप देख सकते हो यहाँ पे, और क्रेडिट पॉइंट्स जो है आप देख सकते हो 53.4 है। ओ दिया हुआ है, लेटर ग्रेड ओ, ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, यानी कि बहुत बढ़िया। तो मेरा ये पेपर बहुत ही बढ़िया हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, जो पेपर है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एक बहुत ही टफ पेपर होता है, बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। मैंने आपको पहले भी बताया, लॉ के पेपर और टैक्स के पेपर सबसे ज़्यादा टफ होते हैं कॉमर्स में। तो बेसिकली ये पेपर भी काफ़ी ज़्यादा टफ है और सबसे टफेस्ट और सबसे हार्डेस्ट पेपर था। इसमें इतना मार्क्स स्कोर किया है मैंने, पता नहीं मैंने कैसे स्कोर किया, मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन इसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कि मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, जबकि मेरा मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 70 मार्क्स का फुल पेपर होता है, मुझे यहाँ पे फिर से 59 मिला है, यानी कि दोनों में 59 मिला है। पता नहीं इस दोनों में सेम कैसे हो गया, लेकिन एग्जैक्टली मिला है। तो यहाँ पे भी 8.9 एग्जैक्टली 53.4 मिला है और ओ ग्रेड मिला है। ओ का मतलब है आउटस्टैंडिंग। हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पेपर काफ़ी सही है, इजी पेपर है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसमें मेरा मार्क्स कम है। अब क्यों कम है यह मैं आपको बता दूँ, सिर्फ यही एक सब्जेक्ट है जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज नीचे आ गया, वरना मेरा 90% तो होता ही कम से कम। तो ये मेरी गलती है, मैंने ही कुछ गलती की था, डेफिनेटली इसका मतलब खामियाजा मिला। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या गलतियाँ की, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे 70 मार्क्स का एग्जाम था, मुझे 41 मिला है, बहुत कम मिला है। 70 में से 40, यानी कि आधा 30 मार्क्स मेरा चला गया। यहाँ पे 7.1 मिला है, 42.6 ग्रेड क्रेडिट पॉइंट्स मिले हैं और लेटर ग्रेड आप देख सकते हो ए मिला है। ए का मतलब आई थिंक गुड होता है या वेरी गुड होता है, ए प्लस मतलब एक्सेलेंट, ए मतलब वेरी गुड। तो ठीक ठाक है, गुड मिला है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, घंटा परसेंटेज का मुझे कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों परसेंटेज का नशा हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बस पास होना है भाई, किसी तरीके से पास हो जाऊँ, ये बहुत है। यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस में मुझे 70 में से 61 मिला है, जो कि हाईएस्ट है पेपर में, क्योंकि पेपर इजी है, उतना टफ नहीं है, आराम से आंसर्स बना के भी लिख सकते हो। मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस के नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर, मिल जाएगा आपको, ठीक है। ग्रेड पॉइंट्स आप देख सकते हो 9.1 मिला है और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स 54.6 और ओ मिला है, ओ का मतलब आउटस्टैंडिंग। अब बात करते हैं टोटल की, यहाँ पे ऑनर्स आप देख सकते हो, ऑनर्स परसेंटेज जो है वो 85% है, ठीक है, जिसमें से SGPA आप देख सकते हो 8.50 मिला है और लेटर ग्रेड ओ, ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि सिक्स सेमेस्टर का जो परफॉर्मेंस है मेरा वो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग है। परसेंटेज की बात करते हैं, देख सकते हो 85.00 मिला है, SGPA आप देख सकते हो 8.50 मिला है, ओ लेटर ग्रेड ओ, यानी कि ओवरऑल भी मुझे आउटस्टैंडिंग ही मिला है। तो यही रहा पूरा सिक्स सेमेस्टर का मार्कशीट का रिजल्ट, मैंने आपको दिखा दिया। एक फाइनल ग्रेड कार्ड होता है जो सिक्स सेमेस्टर के बाद आपको मिलता है, फाइनल क्रिकेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस वीडियो सबको मिस जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।